ट्रैक यूपीएससी सीएससी करंट अफेयर्स चैनल में स्वागत है आपका। हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, वह कार्यक्रम जिस पर अति संभाव्यता है, जिन पर यूपीएससी प्रश्न पूछता है, जिन पर यूपीएससी प्रश्न पूछता है, उसी में आज का हमारा टॉपिक है एशियाई जंगली भैंसा। एशियाई जंगली भैंसा, इस पर अभी हम 11 स्पीसीज के आसपास डिस्कस कर चुके हैं और इसी कड़ी में यह आगे बढ़े। इससे पहले अनअकैडमी, यहां पर आप अपनी बेसिक फाउंडेशन कोर्स पूरा कर सकते हैं और इसके लिए आप अमित जैन कोड के द्वारा आपको जो है 10% ऑफ मिलेगा। और प्लस प्लेटफॉर्म, आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जो यूपीएससी के लिए है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस के लिए भी तथा अन्य एग्जाम के लिए भी आप अमित जैन कोड अप्लाई करके आपको 10% फीस में छूट मिलेगी और इसके द्वारा आप प्लस या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बारे में, माय नेम इज अमित कुमार जैन, को फाउंडर ऑफ द कोर ISandGSindia.com। हमें JRF अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल लिंक unacademy_amitjain तथा स्पेशल क्लासेस लिंक amitjaindc_1785। यहां से ज्योग्राफी की अभी एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस चल रही है जो फ्री है, आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जंगली भैंसा के बारे में। मैं वापस आपको रिवाइज करवा दूं कि क्या क्या हमें पढ़ना होता है। कोई भी अगर स्पीसीज है उसके बारे में हमें उसका IUCN स्टेटस, फिर भारत के कौन से कानून जो आपका 1972 एक्ट है उसके तहत इसका स्टेटस क्या हुआ है, प्लस इन्हें खतरा क्या है वह है, नेक्स्ट इनके लिए कोई कार्यक्रम तथा इनके संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम तथा तथा इन स्पीसीज की अगर कुछ स्पेसिफिक्स हैं वह है हमें जानना होता है। तो इसी कड़ी में हम जानेंगे जंगली भैंसा। जंगली भैंसा पहले ही है नेपाल, भारत और साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे देशों में मिलता था, परंतु अभी इनकी संख्या मानव जिस तरह फॉरेस्ट पर अतिक्रमण कर रहा है, इनके आवास पर अतिक्रमण कर रहा है, जिस तरह हैबिटेट आवासों का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, विखंडन हो रहा है, बंट रहे हैं रेलगाड़ी या परिवहन के जो साधन है उनके द्वारा, इनके कारण इनकी संख्या जो है कम हो रही है और वर्तमान में करीब 4000 के आसपास ही इनकी संख्या रह गई है। यह भारत नेपाल में एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वहां साउथ ईस्ट एशिया में लाओस, आपका कंबोडिया, थाईलैंड यहां मिलते हैं। IUCN के अनुसार यह है एंडेंजर्ड। भारत का 1972 का वाइल्डलाइफ एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसकी अनुसूची एक में है, उन्हें हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया। भारत में कहां मिलते हैं? भारत में यह है, हम मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सुखोवा, साइखोवा राष्ट्रीय पार्क यहां पर, तथा बुरा चपोरी वन्य जीव क्षेत्र जो असम में है, यहां पर हम इन्हें पा सकते हैं। फिर बलफक्रम राष्ट्रीय पार्क जो मेघालय में, वहां छत्तीसगढ़ में उदांती राष्ट्रीय पार्क तथा इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क इनके लिए प्रसिद्ध स्थान है। इंद्रावती और उदांती, इनके संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल इंडिया वाइल्ड लाइफ बफेलो रिकवरी प्रोजेक्ट चालू किया गया, सेंट्रल ईस्ट इंडिया में, मध्य भारत में इनके संरक्षण के लिए, जहां उदांती सीतानड़ी जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, वहां पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ये उदांती, पेमल,
सीतानड़ी, सीतानड़ी तो यही हो गया, भैरमगढ़, और इंद्रावती जो राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ में, यहां यह बहुतायत में मिलते हैं, बहुतायत में मिलते हैं, परंतु इनकी संख्या अभी वर्तमान में निरंतर जो है वह कम हो रही। तो यह था वाइल्ड बफेलो के बारे में, एंडेंजर्ड। यह घास के मैदानों में मिलता है, सेंट्रल एशिया में भी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है, नेपाल में जो था बट संख्या बहुत ही अभी कम हो गई। यह वेट ग्रासलैंड के आसपास जो है मुख्यतः मिलता है, गीला जो आपकी आर्द्र भूमियां हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की अनुसूची एक में, और इसके साथ ही जो ही हमने राष्ट्रीय पार्क ये लिखे हैं इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मानस, काजरंगा, डिब्रू साइखोवा, बुरा चपोरी, यह सब में सारे बलफक्रम और उदांती, पेमड़ी, सीतानपड़ी, भैरमगढ़ और इंद्रावती। अगर ये क्वेश्चन आता तो केवल यह है जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या केवल यह मध्य भारत में मिलते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी पूछता है जहां वह केवल से हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो इन केवल से याद रखते हुए हमें देखना है कि यूपीएससी हमें कहां ट्रैप कर रहा है, उसे हमें कैच करना है। तो यह था वाइल्ड बफेलो के बारे में, परंतु एग्जाम की अगर हमें एक निश्चित दिशा में डायरेक्शन के साथ तैयारी करनी है तो इसके लिए हम अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमें ऑफलाइन की तरह लाइव क्लासेस मिलेगी। डे वन क्या होना है, डे टू क्या होना है, डे थ्री क्या होना है, और स्ट्रक्चर्ड वे में जो है तैयारी है वही हमें इस एग्जाम को क्लियर करवाएगी। अदरवाइज इधर उधर पढ़ने से एग्जाम जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यह आसान नहीं होगा। इसलिए इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, गवर्नेंस, एथिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, यह बेसिक जीरो से क्या कब कैसे होगा वह जो है तैयारी के लिए आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में शेड्यूल मिलेगा, और इसके लिए आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी के द्वारा है, जहां प्लस में आपको लाइव क्लास मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, अनलिमिटेड जो है इन सबका एक्सेस मिल रहा है और स्ट्रक्चर्ड वे में शेड्यूल मिल रहा है। परंतु यहां पर आपको पर्सनल कोच नहीं, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं है, स्टडी प्लानर नहीं है और पर्सनलाइज फीडबैक नहीं, यह सब कुछ आपको मिलेगा आइकॉनिक प्लेटफॉर्म, आइकॉनिक। और इस आइकॉनिक प्लेटफॉर्म की फीस थोड़ी हायर है, जिसकी 1 ईयर की फीस है 64,000, अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 57,600, 2 ईयर फीस 99,000, अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 89,100। इसके द्वारा आप अन अकेडमी, आइकॉनिक और प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जहां बेसिक से आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी के द्वारा प्लस और जीएस का जो आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज भी चालू किए गए हैं, जहां आप अपनी पूरी ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो। 44 ऑप्शनल में से जो एक ऑप्शनल चूज करना होता है उसकी तैयारी यहां करवाई जा रही है। उसके लिए भी आप अन अकेडमी जो है अमित जैन कोड यूज कर सकते हो, जहां आपको मिलेगा 10% ऑफ, और इसके द्वारा आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो। तो यह था एशियाई जंगली भैंसा। इसके अलावा और अन्य जो बाकी हमारे मराइन टर्टल्स वगैरह बाकी हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर यूपीएससी पहले ही प्रश्न पूछ चुका है, इस पर अभी वाइल्ड बफेलो पर प्रश्न नहीं पूछा था, तो इसलिए यहां पर केवल भारत में मिलता है, केवल मध्य एशिया मिलता है, इस तरह हमें वक्तव्य याद रखने, जो पिछले हमने क्लासेस में देखा था, और नेक्स्ट क्लासेस में भी हम यूपीएससी के उन क्वेश्चन को देखते हुए भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम अगेन पुनः मिलते हैं। थैंक यू।